दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं समर ट्रेनिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं उसकी। यहाँ पे दोस्तों मल्टी डिपार्टमेंट के लिए है, मतलब ये जो है वैकेंसी जो समर ट्रेनिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, वो दोस्तों रेलवे में निकला है, अमेजोन में निकला है और आपको पोस्ट ऑफिस में निकला है। ठीक है, तो आप बने रहिए, मैं सबके बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू इंटरव्यू रिक्रूटमेंट्स कंटिन्यूस यहाँ पर लाता रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं आपको टाइम टू टाइम आपको जॉब चाहिए तो नोटिफिकेशन चाहिए टाइम टू टाइम, तो दोस्तों चैनल को कर लो सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करो। ऑल सेलेक्ट करने से आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि अगर आपको ये नहीं करते हो तो शाम को डेली 7 बजे चैनल को विजिट करो, वीडियो ऑप्शन में जाके, तो आपको लेटेस्ट डेली का डेली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर रेलवे के बारे में बताता हूँ पहले, यहाँ पर समर ट्रेनिंग के लिए निकला है। तो दोस्तों इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फॉर सेशन 2020 और 2021। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग एंड MBA किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से है तो यहाँ पे आप इस समर ट्रेनिंग का फ़ायदा उठा सकते हो। दोस्तों अच्छा मौका है, मैं ये बोलूँगा कि आपको रेलवे में वोकेशनल ट्रेनिंग समर ट्रेनिंग करने का बहुत अच्छा मौका है, मौके बहुत कम मिलते हैं, तो इससे बेटर है कि आप यहाँ पे समर ट्रेनिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग कर लें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक लिंक दी हुई है, इस लिंक को नोट कर लें, इस लिंक के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और आपका भाई ये कोई जॉब नहीं है, पहले बोल दिया ये कोई जॉब नहीं है, जो सोच के रखेंगे जॉब है तो यहाँ पर इंटर्नशिप है कोई। और यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है, देखो कोई भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई कर रहे हो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, ठीक है, इन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पर और भी बताया ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, ठीक है, MBA किया हुआ है, इन लोगों का प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा बता दिया है, बाकी का देखो यहाँ पर बताया गया है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है, और फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ बता दी गई है कि आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो लास्ट 2 ईयर ऑफ स्टूडेंट, देखो 2 साल आपने निकाल दिए हैं इंजीनियरिंग डिग्री में, तो भाई यहाँ पे आप वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे MBA बताया है कि भाई आपने 1 साल निकाल दिए तो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे BSc के लिए बताया गया है कि आपने 1 साल निकाल दिए तो वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ पे आप कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे आप क्राइटेरिया में आते हो, बाकी कि आप पढ़ते भी जाएँ साथ ही साथ। ठीक है, कोई भी आपको यहाँ पे किसी तरीके की ये सोचें कि यहाँ पे मुझे सुविधा मिलेगी तो भाई वो दिमाग से निकाल दें, वो सुविधा नहीं मिलने वाली, आप यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग करने जा रहे हो ये ध्यान रखें, आप खुद रहने के लिए व्यवस्था सारी व्यवस्था खुद करी जाएंगी। यहाँ पर बताया गया कि अप्लाई कैसे करें, ठीक है, तो आपको एक कवर बना एप्लीकेशन है यहाँ पर वो लेना है और आपको CV लेना है और साथ में अपना वहाँ का जो कॉलेज का जो लेटर है वो लेके आपको सेंड कर देना, एड्रेस वेड्रेस सब दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस आपके नंबर्स पर डिपेंड करेगा, आपके मार्क्स अगर अच्छे हैं, आप अगर अपने कॉलेज के टॉपर हो तो आपके तो चांस हो गए भैया, आप तो पक्का यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग करने वाले हो। ठीक है, बाकी का थोड़ा कम है तो उनके भी चांस हैं अगर यहाँ पे कम फॉर्म भरे जाएंगे तो। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टॉपिक्स क्या क्या हैं, देखो यहाँ पे बताया गया सारे टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं, डेटा एनालिस्ट मटेरियल ये सारे चीज़ जितने भी हैं ये रोल यहाँ पे ये रोल के लिए यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग कराया जाएगा, इसमें से रिलेटिव आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिए है, ट्रेन प्रोजेक्ट्स PPP प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ये सारे जितने भी हैं करीब 27 जैसे टॉपिक्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, जिन्हें आप देख सकते हैं, इन टॉपिक्स पे ही वहाँ पे आपको वोकेशनल ट्रेनिंग कराया जाएगा, आप फिर से एक बार देख सकते हैं दोस्तों एक बार। और दोस्तों अगर आपको करना है अप्लाई तो यहाँ पे देखो लिंक दिए EASTCOAST
trailraiwaysgovin/. तो यहाँ पे जाओ और यहाँ से ये एप्लीकेशन फॉर्म ले लो और अप्लाई कर लो भाई, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्म मिलेगा कहाँ। देखो ऊपर वही लिंक मैंने ओपन कर रखी है, आप देख रहे होगे, जो लिंक मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, ठीक है। इस लिंक को आप ओपन कर लोगे, उसके बाद देखो यहाँ पे आपको देखो एक लिखेगा समर ये ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसको आप प्रेस कर दीजिए, जैसे आप इसे प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये पोर्टल खुल के आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके पास आ रहा है कि भाई आपको नोटिफिकेशन चाहिए, एप्लीकेशन जो सबमिट करना है वो चाहिए, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है एप्लीकेशन। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो है पोस्ट ऑफिस में भी वैकेंसीज हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो लास्ट डेट है वो 1/4/2020 है। यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन आपको मतलब एप्लीकेशन जो डाउनलोड करना है वो है www.bestbengalpost.gov.in, ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ग्रेजुएशन आपको पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे समर ट्रेनिंग वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए वो फॉर्म तो आपको यहाँ से मिल जाएगा इस लिंक से, लेकिन वो आपको कोलकाता जो यहाँ पे पूरा एड्रेस पड़ा हुआ है उस पर आपको सेंड करना रहेगा। साथ ही साथ ये मेल आईडी जो ब्लू कलर में दी है इस पर आपको स्कैन करके मेल करना होगा। मेल आईडी intern.dopwbc@gmail.com। आपको क्लियर कर दूँ कि दोनों चीज़ करनी है, आपको पोस्ट भी करना है और आपको मेल भी करना है, वरना आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी की जो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं उन चीज़ों को आप अच्छे से देख सकते हैं कि क्राइटेरिया क्या क्या है। तो क्राइटेरिया में आपको दिया हुआ है कि आपका जो एजुकेशन है 10+2+3 के पैटर्न में होना चाहिए, तो ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड दिया है कि यहाँ पे 10+2+3 के पैटर्न में थर्ड ईयर बिजनेस स्टडी एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, ये चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि आपका 4th+5th वाला सेमेस्टर और डिग्री कोर्स और जो ड्यूल डिग्री ऑफ 10+2+5 पैटर्न में होना चाहिए। तो यहाँ पे वो चीज़ और चीज़ें बताई गई हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो इस पैटर्न में हो तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का प्रोसेस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ और यहाँ पे प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में अच्छे से दिया हुआ है। सलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं दोस्तों, सलेक्शन प्रोसेस, ये सलेक्शन प्रोसेस है इसका। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस भाई यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है कि आपको TA DA नहीं दिया जाएगा। भाई आप कर रहे हो समर ट्रेनिंग, आप कर रहे हो वोकेशनल ट्रेनिंग, तो ये 2 मंथ का रहेगा मैक्सिमम, तो यहाँ जहाँ से ज़्यादा नहीं होता है। तो भाई देखो ट्रेनिंग करने जा रहे हो समर ट्रेनिंग, तो यहाँ पर कोई पेमेंट तो मिलने वाला है नहीं, आपको खुद रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, खुद का सब कुछ बनाना पड़ेगा, आपने पैसा खर्च करना पड़ेगा। वो चीज़ यहाँ पर नहीं मिलती, कहीं भी ट्रेनिंग करोगे तो कहीं नहीं होती है सुविधा, बहुत कमी कंपनी देती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप किस किस एरिया में करोगे वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है, जैसे यहाँ पे HR मैनेजमेंट, बैंकिंग, मार्केटिंग और सारे बहुत सारे चीज़ें, पार्सल वगैरह जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं इससे रिलेटिव आप कर पाओ। तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हो Amazon में आपको यहाँ पे समर ट्रेनिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग बोलते हैं वो करने का मौका अच्छा मिल रहा है। ये दोस्तों जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और जून तक आप यहाँ पे इसका फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप देख रहे होंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के लिए, ठीक है, यहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे देखो आपका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ पूरा, और आपकी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस से हो या उसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन है आपके पास तो भी चलेगा, ठीक है। तो आप अगर चाहते हो इसमें जाना तो जा सकते हो, यहाँ पर पूरा बताया गया है कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग है तो आप जा सकते हो। यहाँ पर दोस्तों अप्लाई कर सकते हो इजीली, मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ से आसानी से अप्लाई कर दो। और साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूँ कि यहाँ पर इस तरीके की वैकेंसी लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी आपको नोटिफिकेशन जॉब चाहिए तो भाई प्रेस करके रखना।